लाखों लाख मजदूर मंडी का शिकार करके वो अपना घर चलाता है। मोदी का राजा नहीं है, करना चाहती हूँ कि एनएमएस जो हाजरी हम लोग के जो बढ़ता है उसमें बहुत मुश्किल चल रहा है। हम लोग के सात दिन आठ दिन काम करते हैं तो एक दिन की हाजिरी दिखाई पड़ता है। और सरकार से अपील चाहते हैं कि जो एनएमएस जो लाया गया है वापस किया जाए। हम लोग महिला है तो डर के घर में नहीं रहेंगे। हम लोग दिल्ली तक पहुँचने वाले हैं बहुत जल्द और पहुँचेंगे। सरकार से भी अपील करेंगे एनएमएस वापस लिया जाए। क्या मांगे हैं? मनरेगा में मजदूर लगातार काम कर रहे हैं यहाँ पर और मजदूरों को हाजिरी नहीं बन रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी मनरेगा में नया ऐप डाल दिया है। मनरेगा के अंदर में NMMS के नाम से वो ऐप है जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका पूरा नाम। तो वह NMMS जो ऐप है वो गांव में काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि नेटवर्क नहीं है और उसमें ऑनलाइन हाजिरी नहीं बन रहा है। और केंद्र सरकार का कहना है कि जब तक NMMS ऐप पर हाजिरी नहीं आएगा तब तक हम पैसे नहीं देंगे। तो मजदूर तो काम करे जा रहे हैं और हाजिरी नहीं बन रहा है। तो ये जो NMMS ऐप हटाना है इसके मांग को लेकर के हम और जो छूट गए मजदूरों का हाजिरी 2700 मजदूरों का उसकी हाजिरी लगाने की मांग को लेकर के हम यहाँ धरना पर बैठे। आप लोगों ने दिसंबर में धरना दिया था उसमें क्या हुआ? काम मिला उस टाइम दिसंबर में धरना पर बैठे 6 दिन के बाद काम मिलना शुरू हो गया। काम तो करने लगे हम लेकिन अब हाजिरी नहीं बन रही है तो हमारी समस्या तो जैसे के तैसे है ही। तो इसलिए हम धरना पे आए हैं आज। मोबाइल पर अटेंडेंस बनाने में क्या दिक्कत है आप लोग? मोबाइल नेट से चलेगा, ऐप नेट से चलेगा और नरेगा का काम गांव में होता है। गांव में हर जगह नेटवर्क नहीं रहता है तो वो ऐप खुलता नहीं है। अब ऐप नहीं खुलेगा तो हाजिरी नहीं अपलोड होगा और हाजिरी अपलोड नहीं होगा तो मजदूरों को पैसे नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बंद करने की मांग कर रहे हैं हम और NMMS को हटाएं और सही से नरेगा चलाएं। केंद्र सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है अगर वो जल्द मांग पूरा नहीं करेंगे तो सभी मजदूर दिल्ली पहुँचेंगे। मजदूरी अभी क्या मिल रहा है और क्या डिमांड है? 210 रुपये अभी जो मनरेगा का मजदूरी मिल रहा है इतनी महंगाई में, जबकि इस महंगाई में 210 में कुछ होने वाला नहीं है। और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं मजदूरी बढ़ाने को लेकर 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन काम के लिए NMMS से हटाने के लिए। तो ये मांग अगर पूरा नहीं होता है तो दिल्ली के लिए रवाना होंगे हम लोग। मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए मनरेगा आवाज के आह्वान पर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आपको बताते चले कि ये भारत सरकार जो केंद्र सरकार ये भाजपा की जो सरकार है ये मजदूरों को शोषण करने वाली सरकार है। जो ऑफलाइन हाजिरी होती थी मजदूरों का, मजदूर कहीं काम करता था उसको ऑफलाइन हाजिरी बनाकर उनको सुविधा अनुसार उनके खाते में पैसा चला जाता था। लेकिन ये एक ऐप लाया है ये केंद्र सरकार जो NMMS करके जो ऐप है कहीं ना कहीं ये मजदूर को जो रोजगार मिल रहा है मनरेगा के तहत इसको खत्म करने के लिए ये ऐप लाया गया है।
इस ऐप में इतनी बहुत सारी खूबियां हैं कि अगर किसी तरह का सर्वर डाउन रहेगा, अगर मजदूर काम करते हुए अगर माने की ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनती है तो वैसे मजदूर को मजदूरी से माने वंचित रहना पड़ेगा। तो हम लोग NMS को वापस लेने की मांग को लेकर इस धरना पर बैठे हुए हैं और हमारे पूरे भारत के जितने भी मनरेगा मजदूर हैं वो सभी मजदूर चाहते कि ये ऐप समाप्त हो और जिस तरह से पहले मनरेगा में ऑफलाइन हाजिरी बनकर के मजदूरों का भुगतान होता था उसी तरह मजदूरों का भुगतान हो। अगर NMS नहीं हटेगी तो हम लोग लगातार आंदोलनरत रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। यहाँ नहीं सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं, पूरे बिहार, पूरे देश और हम जंतर मंतर दिल्ली में भी घेरने का काम करेंगे इस सरकार को। और आने वाला समय में यही जो किसान मजदूर हैं, अगर यह ऐप नहीं हटाया गया तो इनको आने वाला समय में मुंह तोड़ जवाब देंगे। नहीं तो हम मोदी जी से अपील करना चाहते कि ये जो ऐप लाया गया उसको तुरंत वापस लें और मजदूर के हित में, उनके हित में सोचने का काम करें। क्या आप करते हैं? मेरा नाम देव कुमार सहनी। मोबाइल ऐप से हाजिरी बनाने में क्या दिक्कत है? मोबाइल ऐप से हाजिरी बनाने में ये दिक्कत है कि कभी मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है तो कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो कभी नेटवर्क स्लो चल रहा है। कभी हाजिरी बनाते बनाते जहाँ 200-250 मजदूर है वहाँ आधा से कम के मजदूर की हाजिरी बनता है, आधा से बेसी का हाजिरी छूट जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे धरना पे आए। काम मिल रहा है? काम तो मिला है लेकिन आधा कुछ बलों को मिला है, कुछ पंचायत में बचा हुआ है, कुछ पंचायत मिला बचा हुआ है। और काम भी सही से नहीं मिला है, हाजिरी भी नहीं लग रहा है। हाजिरी में तो जहाँ 7 दिन मजदूर काम किया है वहाँ 1 दिन तो शो कर रहा है। यदि काम नहीं मिल रहा है तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे ऐसे आंदोलन ज्यादा करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चिंकी कुमारी।